जी क्लास, ये आपका अब आ गया है द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन, जिसमें अब ये पहले हमने जिसकी डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी डिज़ायर्ड एग्रीगेट, डिज़ायर जो है डिज़ायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये फंक्शंस हैं, मीन कि इसका किसी के साथ रिलेशनशिप है, किसी के साथ मीन एसोसिएशन विद अदर वेरिएबल्स। अब क्या है ये फंक्शन, किस चीज़ को शो कर रहा है? द फंक्शन डैट रिलेट्स डिज़ायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर टू एक्चुअल नेशनल इनकम, ठीक है। अब हमने नेशनल जो है नेशनल इनकम के साथ इसको रिलेट करना है। इसकी जो फर्स्ट टू लाइंस में इन्होंने डेफिनेशन ही बताई हुई है, ठीक है। रिलेट्स द लेवल ऑफ डिज़ायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर टू द लेवल ऑफ एक्चुअल इनकम, ठीक है। अब इसमें पहले हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना, जिसमें हमने बताया था कि आपकी जो है जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब इसमें हमने एक ये कंडीशन रखी है कि इफ़ देयर इज़ नो गवर्नमेंट एंड नो इंटरनेशनल ट्रेड, तो जो डिज़ायर्ड आपकी जो डिज़ायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होंगे तो वो किसके इक्वल होंगे, वो जस्ट सी प्लस आई होगा उसमें, ठीक है ना, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इसकी जो एक न्यू इक्वेशन बनेगी वो होगी जो कैपिटल ए इज इक्वल टू सी प्लस आई, मीन कि हमने जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो भी स्किप कर दिया है और उसको एक्सक्लूड कर दिया है और साथ साथ नेट एक्सपोर्ट को भी क्लोज कर एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। जैसा कि आपके ये 530 नंबर पेज नंबर 530 है। नेक्स्ट जो आपका है जहाँ इसके डायग्राम और टेबल बना हुआ है, ठीक है, वो 531 पेज नंबर है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट इसका होना चाहिए। अब जो इन्होंने टेबल लिया हुआ है, इसमें इन्होंने टेबल है ना, ये सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है उसमें इन्होंने ली हुई है नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने। फर्स्ट है 30 से स्टार्ट किया हुआ है, 30, 150, 300, 450, 525, 600 एंड 900। सेकंड इनका कॉलम है वो है डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है, जिसमें इन्होंने नीचे ब्रैकेट में इक्वेशन बताई हुई है, सी इज इक्वल टू 30 प्लस 0.8 इंटू वाई, ठीक है। अब ये 0.8 है ना, ये इन्होंने फिक्स वैल्यू ली हुई है सी की। अब सी आपको पता है जो आपने कंजम्पशन की जो इक्वेशन पढ़ी थी, जो मैम फरा ने आपको यूट्यूब चैनल पर ये इक्वेशंस बताई थी, जिसमें आपने कंजम्पशन की एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें सी इज इक्वल टू सी नोट प्लस सी वाई। अभी सी नोट जो है ये है 30, ठीक है ना, ऑटोनोमस, और प्लस 0.8 जो वाई है ये है इंड्यूस्ड। ये आपका कॉलम हो गया। इनकी इन्होंने भी जो इनकी जो वैल्यूज दी हुई हैं ये भी एज्यूम की हुई हैं। थर्ड जो आपका कॉलम है वो है डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, मीन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट है। उन्होंने 75 I = 75। फोर्थ कॉलम है आपका वो है डिज़ायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स, मीन के जो आपकी न्यू इक्वेशन जो हमने अभी बनाई थी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन की, जिसमें आप हमने गवर्नमेंट को भी एक्सक्लूड किया है और नेट एक्सपोर्ट को भी, और बाकी अगर आपके वो जी और जो NX था, ठीक है ना, वो आपने निकाल दिए तो बाकी आपके पास दो वेरिएबल रह गए, कौन से, सी प्लस आई। और ये देखें जैसे ये इन्होंने इक्वेशन यहाँ बताई है ना, ए इज इक्वल टू सी प्लस आई, मैं इसकी बात कर रही थी। अब देखें ये डायग्राम है, इन्होंने जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नेशनल इनकम ली हुई है और वर्टिकल एक्सिस पर इन्होंने डिज़ायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स लिए हुए। अब इन्होंने वैल्यूज़ ली हुई हैं अकॉर्डिंग टू टेबल। नेशनल इनकम इनकी 30 से स्टार्ट हो रही थी, 900 तक जा रही है, इन्होंने 100 का डिफरेंस लिया है, 100, 600 एंड 900। ये वैल्यू ये मैटर नहीं करता कि आप लोग इसी तरह लें, ठीक है, हमने जस्ट उनको ये बताना है जब हमारी नेशनल इनकम ज़ीरो होगी तब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, हमारी इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी। अब देखें ना, जैसे ए ई है इज इक्वल टू सी प्लस आई है।
अब जो सी है हमारा वो 30 हो जाएगा ना। देखें ज़रा, अगर नेशनल इनकम हमारी 0 हो जाएगी, नेशनल इनकम वैसे तो 30 से स्टार्ट हो रही है, हम डायग्राम में ये शो करना चाह रहे हैं अगर हमारी जो नेशनल इनकम है वो 0 के इक्वल हो, तो जब 0 के इक्वल होगी तो जो सेकंड वाला कॉलम है ना, आप इसमें वाई की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या रह जाएगी यहाँ 30। ठीक है, अब ये 30 ये रह गया, और जो ए ई की जो है हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वेशन वो है सी प्लस आई। तो जब हम सी प्लस आई करेंगे, इन्वेस्टमेंट की भी आपके पास वैल्यू अवेलेबल है, आई इज इक्वल टू 75। तो जब हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स निकालेंगे तो सी प्लस आई करेंगे व्हेन नेशनल इनकम इज इक्वल टू 0। तो जब हमारी नेशनल इनकम टू 0 होगी तो आपका एक्सपेंडिचर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स का जो कर्व है वो 105 से अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, अब सी प्लस आई जो है, आप देखें सी की जगह उन्होंने 105 लिखी हुई है, ये देखें 105 बिलियन डॉलर है। अब 105 कैसे आया है, ये आपकी सी की वैल्यू थी 30। यहाँ अगर हमने जो वैल्यू पुट की थी वाई की वैल्यू पुट की थी 0, हमने कहा था जब हमारी नेशनल इनकम इज इक्वल टू 0 होगी तो आपकी जो सी की वैल्यू होगी वो 30 रह जाएगी। अब जब ये 30 उस प्लस इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो 75 है, 30 प्लस 75 इज इक्वल टू 105, ये आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये सी की जगह पर प्लस जो आपकी सी का ना सी नोट प्लस सी वाई वो आपकी जो है सी की जगह, अगर आप सी नोट प्लस सी वाई उसमें पुट करते हैं ना, ये सी की जगह पर जब व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल सी, तो इसकी इक्वेशन सी नोट प्लस सी वाई है तो वो उसकी जगह आ जाएगी। तो साथ ही हमारी वो इक्वेशन से सी और जो है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी, जिससे 105 भी नहीं आ गया, प्लस 0.8 वाई हमने एज इट इज़ रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आप क्या, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, मीन डेल्टा ए ई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, कि आपके इनकम से जो चेंज आ रहे हैं उससे आपका आपके जो प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें कितना चेंज आ रहा है। इसकी डेफिनेशन है द चेंज इन डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक आउटपुट डिवाइडेड बाय द चेंज इन नेशनल इनकम दैट ब्रोक इट अबाउट। ठीक है, आपको मैं ये डायग्राम जो है इसकी भी वीडियो बनाकर सेपरेटली दिखाती हूँ। ठीक है,